स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ साइंस। द नेम ऑफ चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस के अंदर, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित करना। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। अपने को पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स है किसी भी, मतलब अगर अपने को अर्थ के ऊपर अच्छी तरह से सर्वाइव करना है, हर तरह के पोल्यूशन से बचना है और अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन करना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करें, कंजर्व करें। क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। अब अपने बात करते हैं, लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। लिविंग थिंग्स है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग, बिल्कुल अलग नहीं रह सकती हैं। आजकल आपके लिए आइसोलेशन वर्ड है बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने जब से कोरोना आया है तब से अपने बात वर्ड सुनते हैं, होम क्वारंटाइन, लॉकडाउन। और उसके अंदर अगर किसी को, मतलब देखो, होम क्वारंटाइन तो उसको किया जाता है जो किसी दूसरी स्टेट से आ जाए या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है। आपने सुना होगा ना, जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, तो अगर अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके आते हैं जहाँ से कोरोना है, या दूसरे स्टेट से जाके आते हैं, तो अपने को क्या किया जाता है, 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। अगर मान लो किसी को, मतलब कोरोना वायरस के कारण से इफेक्ट हो गया, कोविड-19 वो पॉजिटिव हो गया, तब क्या होता है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाता है कि सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है, आइसोलेट अलग कर दिया जाता है, ताकि उसका इफेक्ट है वो, मतलब दूसरों के ऊपर ना पड़े। तो इसी तरह से लिविंग थिंग्स हैं, और अकेले रहना आपको पता है कि कितना मुश्किल है, तो लिविंग थिंग्स हैं वो आइसोलेट नहीं रह सकती हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनको फूड और अदर मटेरियल्स अपने सराउंडिंग से चाहिए होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। एयर, वाटर, सोइल एक एसेंशियल्स पार्ट है हमारी सराउंडिंग का। एयर, वाटर और सोइल, ये तीनों क्या होते हैं, हमारी सराउंडिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। जो भी लाइफ है ऑर्गेनिज्म की, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ है ऑर्गेनिज्म की, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के द्वारा क्या होती है, इफेक्ट होती है। हमारी लाइफ है चाहे लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट, इनके द्वारा क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम जो कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एरिया के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने को खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, जिसको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की जरूरत करती है, और उसके साथ साथ जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे कि क्लाइमेट, सोइल, रिवर्स, डेल्टास, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, इसको अपने क्या कहते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी इकोसिस्टम क्या होता है, जो सारी की सारी लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि क्लाइमेट, एयर, वाटर, सोइल, रिवर्स, डेल्टा, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। डेल्टा वर्ड है आपका SST के अंदर आता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जहाँ, जब नदियाँ हैं, आप लोगों को पता है कि नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, और लास्ट में फिर वो मैदानी इलाकों में चलती है, और उसके बाद वो लास्ट में जाकर किसके अंदर मर्ज हो जाती हैं, सी के अंदर मर्ज हो जाती हैं। इतनी दूरी, मतलब वो जब पहाड़ों से निकलती है और सी में जाती हैं, तब तक वो बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। जब वो बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं, तो इस कारण से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब नदियाँ अपने साथ बहती हैं, तो अपने साथ एक, मतलब सॉइल को बहाकर लेकर आती है अपने साथ, वो सॉइल उनके साथ क्या करती है, आगे फ्लो करती है। वो सॉइल बड़ी ही फर्टाइल होती है, जिसको अपने एलिवियल सॉइल बोलते हैं। तो जब वो नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं, उससे पहले वो क्या करती है कि वहाँ पर जो सॉइल है उसकी स्पीड कम होने के कारण से वो सॉइल को डिपॉजिट कर देती है। तो वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड वाला होता है, जहाँ पर क्या उग जाते हैं, फॉरेस्ट हैं वो उग जाते हैं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा आपको कैसे मिला, बना है, अपने को पता है कि गंगा नदी है, गंगोत्री हिमालय से निकलती है, और वो 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो 2500 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है स्टूडेंट्स। तो जब वो चलती है इतनी लंबी दूरी में, तो अपने साथ क्या करती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी बहाकर लेकर आती है। जब वो मिट्टी को बहाकर लेकर आती है, तो वो लास्ट में जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो उससे पहले क्या करती है कि वहाँ पर अपनी मिट्टी उसको डिपॉजिट कर देती है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या बन जाते हैं, डेल्टाज बन जाते हैं। इसी कारण से क्या बना है, सुंदरबन डेल्टा है वो बना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। इकोसिस्टम है, उसके अंदर अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं। स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जातियाँ। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग से हैं, हम लोग ह्यूमन बींग मनुष्य हैं, एक ही जाति के हैं। स्पीसीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्पीसीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होता है और रिप्रोड्यूस विद इन द ग्रुप, और वो क्या कर सकता है,
कि अपने ही ग्रुप के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने बच्चों को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। अपने को पता है कि स्पीसीज है, जैसे हम लोग मनुष्य की जाति है तो हम सब एक जैसे हैं, हमारी दो आँखें हैं, एक नाक है, दो कान है, इस तरह से। और अपनी अंदर वाली स्ट्रक्चर से अगर अपने इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वो भी एक जैसे हैं। मनुष्य मनुष्य से ही शादी करता है और मनुष्य के बच्चे भी क्या होते हैं, हमेशा मनुष्य ही पैदा होते हैं। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अब एक वर्ड है, क्या है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और मतलब कुछ एक दूसरे से अलग अलग भी होते हैं। तो नेचर है वो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम से फिल है, एक वाइड रेंज है, यानी बहुत बड़ी रेंज है अलग अलग ऑर्गेनिजम की जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाई जाती है। यानी 10 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ अलग डिफरेंट स्पीसीज, 10 to thousands ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी थाउजेंड्स से भी बहुत ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज हैं एक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाई जाती है। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप लोगों को पता है कि अपने अर्थ के अंदर एक तो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो वहाँ पर होता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जो अपना इक्वेटर होता है हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके 23.5 degrees तक और साउदर्न हेमिस्फीयर के 23.5 degrees तक जो एरिया होता है वहाँ पर सन की रेज है सीधा पड़ती है। जब सन की रेज वहाँ पर सीधा पड़ती है इस कारण से वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर बरसात भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस कारण से वहाँ पर क्या होता है, खूब बरसात होती है, इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर मतलब हजारों लाखों जातियाँ क्या होती हैं वो पाई जाती है। यहाँ तक कि डेजर्ट इकोसिस्टम है, अगर अपने बात करते हैं डेजर्ट के अंदर हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या होते हैं, हजारों नंबर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते। तो जो ये वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, जो वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की एक रीजन के अंदर, उसको अपने क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स की जो वेराइटी पाई जाती है एक एरिया के अंदर उसको अपने क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जो प्लांट्स पाए जाते हैं किसी भी एरिया के अंदर उनको अपने क्या बोलते हैं, फ्लोरा के नाम से जानते हैं। और जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो किसी भी रीजन के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं उनको अपने फना के नाम से जानते हैं। और ये दोनों मिलकर ही फ्लोरा एंड फना, यानी प्लांट्स और एनिमल्स बनकर क्या करते हैं, किसी भी एरिया का बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। इंडिया एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्स कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत तरह के इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एल्पेलाइन वेजिटेशन। एल्पेलाइन वेजिटेशन का मतलब होता है जो ये छोटे मोटे मतलब घास टाइप उगती है, और टेम्परेट फॉरेस्ट टू कोस्टल वेटलैंड, मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट है जो 23.5 degrees से ऊपर थोड़ा सा हो जाता है, और वेटलैंड्स कोस्टल वेटलैंड्स यानी अपना जो नीचे वाला एरिया है वो पेनिनसुला है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर कोस्टल्स यानी समुद्री किनारे हैं वहाँ पर, यानी हर तरह का इन्वायरमेंट। अपने प्लेट्यू रीजन है, मतलब पठार हैं, प्लेट्यू को अपने बोलते हैं, जैसे अपने उत्तराखंड वाली साइड चले जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ हैं, अपने मैदानी इलाका है। तो यानी इंडिया के अंदर क्या है, बहुत तरह के क्या है जो वो है वेराइटी है डाइव उसकी लैंडफॉर्म्स की पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर जो लैंड इकोसिस्टम है वो भी क्या होते हैं, बहुत तरह के पाए जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मतलब स्पीसीज है वो पाई जाती हैं। अब अपने बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, फूड वेब के द्वारा, फूड चेन आपने पढ़ा है, जैसे ग्रास ग्रास को डियर खाता है, डियर को लोयन खाता है, ग्रास ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है। ये तो क्या होता है कि एक चेन बन जाती है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये शो करते हैं कि कौन किसको खा रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ फूड वेब भी होते हैं, वो आपको मैं डायग्राम भेज दूँगी फूड वेब का, कि फूड वेब कैसे बनता है। उसमें जो नीचे प्लांट एक होता है और सबसे ऊपर वाला टॉप एनिमल भी क्या होता है, एक होता है। तो फूड चेन्स के द्वारा, फूड वेब के द्वारा क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। एनिमल्स हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं और शेल्टर के लिए। प्लांट्स हैं एनिमल्स के ऊपर, देखो एनिमल्स तो प्लांट्स से उनको फूड और शेल्टर मिलता है, प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं ताकि उनकी पोलिनेशन यानी जो उनका पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल पार्ट होता है उसका क्या हो जाए,